सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज हमारे इस धरने को 149 डे पूरे हो चुके, 149 दिन लगातार 149 दिन से ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये तमाम जातिवाद, तमाम शोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आजकल कैंपस का माहौल हो गया है, एक तरीके से अम्बेडकर की तस्वीर को हटा देना और दूसरी तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर रख देना, वो आपको जैसे कल वाले लय में भी दिखा था। लेकिन साथियों, संघर्ष जो डॉक्टर रितु लड़ रही हैं, जो हम लोग उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। और इस लाइव के माध्यम से और तमाम जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उन सबको ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग रोज़ रेगुलर इस प्रोटेस्ट में आते हैं, इस यहाँ अपना धरना चलाते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे डरे नहीं हैं। और डरना और झुकना और ये सब तो कभी सीखा ही नहीं है मैडम। और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जैसे साथी आशुतोष ने शुरुआत में ही कहा कि आज 149th डे पूरे हुए प्रोटेस्ट को, और यूनिवर्सिटी का नाम, देखिए बाबा साहेब की फोटो से नफरत, मैं आपको कैमरा टिल्ट करके दिखा रही हूँ कि कहाँ बाबा साहेब की फोटो थी। ये ठीक इसी स्पॉट पे बाबा साहेब की फोटो थी, ये स्पॉट जो है मैं दिखा दूं आपको, यहीं पे 10x8 की बाबा साहेब की बड़ी प्रतिमा थी। और यूनिवर्सिटी का अगर आज आप नाम देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये लग सकता है यहाँ पे, और ये इतनी ही बड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा थी, बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लग सकती, और ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। ये है यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के छोटे छोटे फ्लैग्स हटाकर इस तरीके से जय भीम के झंडे लगे हुए थे और वो सब हटा दिया, और ये सब चीजें हो सकती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये देखिए यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के एंट्रेंस पे, मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी अब हट चुका है। और यहाँ पे देखिए इस जगह बाबा साहेब की फोटो थी, जहाँ हटाकर चार चार बारी शुद्धिकरण कराया गया, चार चार दिन तक ये लोग धोते गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे खिलाफ ये लोग ये तंत्र इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी नफरत है। मैं आपको कल की बात बताऊं, जिसे कहते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं हाथी मस्त चलते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। और अब हुआ क्या, उनके मुंह में दांत तो है नहीं कि जो काटेंगे, अगर काटने आते तो फिर हम भी बताते। अब हुआ क्या कि जब हम यहाँ पे जय भीम के नारे इस अपने लगा रहे थे और हम यहाँ पे खड़े होकर कल के दिन प्रियम्बल, भारत का जो संविधान प्रियम्बल पढ़ा हमने यहाँ पे, और उस टाइम पे जब हमने जय भीम के नारे लगाए और हम प्रियम्बल रीड कर रहे थे, तो कुछ अराजक तत्व जो इस यूनिवर्सिटी को भगवाकरण करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले